आप सभी दोस्तों का मेरे चैनल हम आवाज में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं मतिधार टी स्टेट के सालेन गांव की ओर वीडियो के लिए निकला हुआ हूं। और मैं आप लोगों को बता दूं, इस गांव का नाम मतिधार टी स्टेट सालेन है। और यहां पे टोटल करीब 90 से 100 फैमिली बसोबास करते हैं। इस गांव की अगर पॉपुलेशन बोला जाए तो आपका 900 से 1000 के बीच है। और यहाँ पे जो मेल हैं उनकी जो संख्या है वो कम है, और जो फीमेल है उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। और इस गांव की पूरब की ओर चाय बगान है, और पश्चिम की ओर देखा जाएगा तो चेंगा नदी एक है, जहाँ पे प्रायः यहाँ के गांव वाले जो बगान काम नहीं जाते हैं उन लोग काम करने के लिए जाते हैं। और यहाँ पे जो उत्तर की साइड में खेतों से भरा हुआ है, और इसमें जो दक्षिण का साइड है वहाँ पे एक सालेन का फुटबॉल ग्राउंड है। और मैं आप लोग को बताना चाह रहा था। नमस्ते अंकल, आपका क्या नाम है? हाँ, इनका नाम धनीराम चौधरी है। तो यह गांव का रिकेश, और यह गांव का, तो आप लोग देख रहे हैं ये पहले ऐसे नहीं थे, पहले तो काफ़ी हेल्दी थे, काफ़ी मोटे तगड़े हुआ करते थे। अभी बीमारी की वजह से शायद इनका ये पड़ा हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं यहाँ के ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो चाय बागानों में काम करते हैं। और एक्स्ट्रा इनकम का जरिया अगर सोर्सेस बोला जाए इस गांव का, तो चेंगा नदी में जाते हैं गेटी बालू का काम करने के लिए। और यहाँ का जो पंचायत मेंबर है वो नवीन माझी, जो मतिधार गोपाल डांगी से बिलोंग करता है। और यहाँ पे अगर लीडिंग के हिसाब से बोला जाए तो यहाँ पे टीएमसी पार्टी लीड कर रही है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या में रोतिया जो फैमिली है बहुत ज़्यादा यहाँ पे है, रोतिया वाले। और एजुकेशन के हिसाब से अगर बोला जाए तो यहाँ पे जो लड़के लड़कियाँ ज़्यादा ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करने के बाद में रोज़गार के लिए बाहर बड़े बड़े शहरों में चले जाते हैं। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं सामने एक दुकान दिखाई दे रहा है। अच्छा लग रहा है कि हमारे आदिवासी भाई बहन सब बिजनेस की ओर भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कम संख्या में हो रही है। और ये सामने आप लोग देख रहे हैं जो गाड़ी के पीछे जो रास्ता दिखाई दे रहा है, ये सालेन का जो एंट्री गेट हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ से हम लोग इन करते हैं। और इसके दूसरी साइड में आप लोग देख रहे हैं और एक गली है जो सालेन के चौथा गली से जाना जाता है। और ये जो साइड है ये आप लोग का गांव के अंदर की ओर जाता है, और ये जो साइड है ये आप लोग का सालेन का चौथा गली है, जो कि इंडिंग के छोर आप लोग देख रहे हैं कि उस आदमी से खड़े हुए हैं। इस गांव में ज़्यादा ज़्यादा धूमधाम से मनाए जाने वाला जो फेस्टिवल है वो करम पूजा है। और हमारे लोकेलिटी के हिसाब से जितने भी गाँव हैं उन लोग जानते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूमधाम से करम पूजा मनाया जाता है। और ये हमारे दोस्त पिंटर बगवार का दुकान है, इसके पीछे ही इनका घर है। आप लोग दुकान को देख ही सकते हैं कितने अच्छे तरीके से डेकोरेट किया है, दुकान को चला रहे हैं। अच्छा लगता है दोस्तों कि हमारे आदिवासी भाई बहन सब बिजनेस की ओर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ज़्यादा संख्या में करना है। तो दोस्तों आप जो बाँस की बहुत ज़्यादा खेती यहाँ पर किया जाता है, हमारे दूसरे गांव से भी यहाँ पे बांस उस लेने के लिए आते हैं हम लोग। आप लोग देख ही रहे हैं, एक नज़ारा आप लोग को दिखा दे रहा हूँ, देख ही सकते हैं दोस्तों। मैंने आप लोग को वीडियो के माध्यम से बताया था कि मतिधार सालेन के पश्चिम साइड में चेंगा नदी है, जो चेंगा नदी का व्यू आप लोग देख सकते हैं। वैसे करीब 200-300 मीटर होगा दूर, उसके बाद हम लोग नदी पा सकते हैं। सामने आप लोग देख रहे हैं हमारे एक दोस्त हैं, क्या नाम बता दो तो? बबलू प्रधान। तो यह है गांव का रिकेश? अच्छा, ये गांव के क्या नाम का है, काम कौन सा, मतलब एक तो गली हो या फिर कोनो ऊपरे नीचे कोनो है? और के तितर लेन का है। बबलू जी हमें बता रहे हैं ये सालेन तितर लेन है। हम लोग को यहाँ का जो व्यू दिखा रहा हूँ आपको,
देख रहे, दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन बहुत दुख की बात है कि बरसात के वजह से यहाँ पे पूरा जो देख रहे हैं आपका नवीन नदी नुमा आपको जो जगह दिखाई दे रहा है, एक्चुअली नदी तो नहीं है और नहीं था यहाँ पे पूरा का पूरा। आप लोग देख रहे हैं खेती का ज़मीन था, जहाँ पे हमारे गाँव वाले अगल बगल वाले जिनका भी ज़मीन था वो खेती बाड़ी करते थे, लेकिन बहुत दुख की बात है इसको नदी का रूप ले लिया है और पूरा ज़मीन जो था खेती करने वाला बर्बाद हो चुका है। देख सकते हैं अभी बड़े पैमाने पे यहाँ का ज़मीन जो है वो नदी के रूप में कट गई है और बन गई है। हम लोग मतेदार फर्स्ट ईशाल लाइन के तेतर लाइन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, गाँव में घुस रहे हैं पे, इनका नाम जानते हैं। मैं का नाम तोर? रागनी। रागनी का माजी। रागनी माँ जी। और बहुत तोर का नाम? कनिष प्रधान। बाबू का नाम है कनिष प्रधान। और माई है के बहू है के? माई का नाम तोर? सेजल माझी। और कह दे लग चॉकलेट मुर्ख चूसिक लगी निकाल दी। हम सात परिवार हैं और सारे के सारे जो हैं वो हमारे आदिवासी गोंड फैमिली से बिलोंग करते हैं। और आप लोग जो तराई द्वारा से में जितने भी चाय बागान वाले अगर हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग की खुशी की बात होगी कि आपके रिलेटिव वाले इस गांव में हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि इनसे कॉन्टैक्ट करना या फिर इनसे बात करना तो मेरे वीडियो के माध्यम से आप लोग कर ही सकते हैं और मुझे कमेंट करके भी आप लोग इस गांव में आ सकते हैं। दादा का नाम तो? इनका नाम है राजेश्वर माझी। और ये करण तो पता नहीं शर्मा रहा ना क्या, इसलिए पीछे है। तो इनका करण माझी है, शर्मा रहा है शायद। यहाँ पे सालेन के कुछ लड़के हैं, लोग देख रहे बिजी हैं। और ये सालेन एस एस के सामने बाइक है। ये सालेन का एस एस के स्कूल है जो 1-4 क्लास तक पढ़ाया मतलब चलता है। तो दोस्तों हम लोग ये हम लोग तीसरे गली की ओर बढ़ चुके हैं। सामने आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे एक दुकान है। अच्छा लगता है जब हम लोग के आदिवासी कोई छोटा मोटा व्यवसाय करने लगते हैं। और यहाँ पे हमारे सालेन के दो बच्चियाँ हैं, यहाँ पे कुछ देख रहे हैं बैठे हुए हैं बच्चियाँ। और एक दीदी है इनसे नाम जानते हैं। मैं का नाम तोर? जोर से का? अल्बिना। अल्बिना का? अल्बिना क्रिकेटर। मैं का नाम तोर? अलीसा क्रिकेटर। और तोर माई? हेमा। हेमा टिटियो। और यहाँ पे एक दीदी है। मैं का नाम तोर? नाम बता तो। हाँ अनन्या रोतिया वो शर्मा भी है बच्ची। दीदी तोर का नाम? संगीता रोतिया। दीदी का नाम संगीता रोतिया। तो यहाँ गर्मी कहीं के बैठ के छाई में हवा ले बता नहीं वीडियो से कोनो आपत्ति न खे नहीं भी हो चाहिए नहीं। दोस्तों हम लोग साल लाइन के मिडिल गली में अभी पहुंच चुके हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। का नाम तोर? रीमा का? रीमा मुंडा। इनका नाम रीमा मुंडा है, ये साल लाइन की है। बाबा तुमने का नाम? शुक्रा गोलिया। शुक्रा गोलिया। इनका नाम है शुक्रा गोलिया। और पीछे एक माँ जी दिखाई दे रही है। का नाम दीदी तोर? गुलाबी। गुलाबी अहिन। इनका नाम है गुलाबी अहिन। तुम्हें सब तो है लेन करेगा नहीं, साल लेन करेगा सब साल लेन के हैं। बढ़ते हैं वीडियो में आगे। इनका तो क्या नाम है पता। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं हम लोग अभी जहाँ पे हैं, जहाँ पे चल रहे हैं ये पिच रोड ही है। अच्छा लग रहा है गांव में अगर इस टाइप का पिच रोड बनाया जाता है तो। बरसात के समय में हमारे गांव वालों को, यहां के गांव वालों को असुविधा नहीं होती है। चलिए है आगे बढ़ते हैं। ये आप लोग देख रहे हैं मतेदार सालेन के बच्चे सब यहां पे। सर का नाम दीदी तुनी कर? का नाम है के? सालमी का। इनका नाम सालमी ग्वाला है, ये सालेन की है। ये जो दुकान है ये रेशमी मिलल यहाँ हाँ सर ये
तो इनका नाम है रेशमी टोपो नी। हाँ। रेशमी टोपो तो दुकान किसने चलो थे? तो नाम बताओ पहले का नाम। हाँ इनका नाम है रेशमी टोपो, आनंद टोपो का लड़की बेटी है के। और खबर से वो सब ठीक है? सब ठीक है। वीडियो से कोई आपत्ति नहीं क्या? वीडियो से कोई आपत्ति नहीं क्या सर? तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं ये मतीदार सालेन का ICDS सेंटर है। इसका जो नंबर है AWC नंबर जो है 134। अभी लॉकडाउन की वजह से बंद पड़ा हुआ है तो स्कूल का काफ़ी बुरा हाल चल रहा है, देख रहे हैं आप लोग। और ये जो थोड़ा बीच की जगह की जैसे दिखाई दे रहा है तो आपको तो दिखा दे रहा है। ये छोटी सी सकरी नुमा रास्ता है, आप लोग देख ही सकते हैं। आने वाले समय में अगर CC रोड बनेगा तो चौड़ाई किया जा सकता है, लेकिन चांस कम लग रहा है यहाँ पे CC रोड होने के लिए। जगह ही काफ़ी छोटा है, छोटा CC रोड तो बनाया जा सकता है। ये आप लोग देख रहे हैं, ये हम लोग दूसरे गली में आ चुके हैं। अभी कुआँ है, कुआँ में तो सूखापन दिखाई दे रहा है। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं ये मजेदार सालेन का दूसरा गली हम लोग वीडियो के माध्यम से दिखने के लिए जा रहे हैं। ये हम लोग मजेदार सालेन के दूसरे गली में ही चल रहे हैं एंडिंग की ओर, जो इसको हम लोग इस साइड को बोलते हैं हम लोग नीचे कोना। ये सालेन के हमारे एक भैया हैं, इनसे इनका नाम पूछते हैं। का नाम तो निकल? पंचू गोलिया। तो यह गांव का किस? ये इसी गांव के हैं और यहां पे आप लोग देख रहे हैं और कुछ हैं, इनसे थोड़ा देखते हैं। ये भैया क्या भैया आप सब्जी बिक्री करने के लिए आए हैं? सब्जी बिक्री करने के लिए आए हैं। तो देख रहे हैं क्या क्या सब्जी लाए हैं। ये टमाटर है, भिंडी दिखाई दे रहा है यहाँ पे, आप लोग देख रहे हैं। कैसे टमाटर कैसे किलो बिक्री करते हैं? 10 रुपये किलो टमाटर, काफ़ी सस्ता दिखाई दे रहा है। और ये आप लोग देख रहे हैं कुछ आलू वगैरह बिक्री कर रहे हैं। तो ये भैया हैं, ये आप लोग सामने देख रहे हैं, ये लोग गांव के ही हैं। और यहाँ पे एक बूढ़ी नानी दिखाई दे रही है, इनसे इनका नाम पूछते हैं। नानी का नाम तो निकल? करुणा मुंडा। का सब्जी किन ले? आलू बटर मने भिंडी मने किन ले और मिर्चा मने। कमती दाम में देवल का सब्जी मन के? कमती दाम में देवल थे। 1 रुपया 2 रुपये में किन्नो था, मतलब अच्छी बात है, थोड़ा बहुत ये कर रहे हैं। और ये सामने हमारी मम्मी, आयो का नाम तो निकल? किरण मुंडा, इनका नाम है किरण मुंडा। ये मतिया सालेन से ही बिलोंग करते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं हमारे वीडियो के सामने दो बहनें साथ में हैं, इनके जरिए ही हम लोग इस गांव का वीडियो बना पाए और किस साइड में क्या है नहीं है और गांव में कोई क्या है नहीं है, इस सबको बताने के लिए इन लोग का पूरा हम लोग को सहयोग मिला। और इस वीडियो को बनाने के लिए करीब 1 से 2 घंटा लग गए हैं समय, और काफ़ी गर्मी भी है, फिर भी इनकी हौसला और इनका जो सपोर्ट है उनको हम लोग थैंक्स बोलना चाहेंगे और इनसे 2-4 बातें करेंगे। मैया तोर का नाम? नील गोलिया। और तोर का नाम? राजकुमारी गोलिया। तो निमन अपन गांव कर बारे में बताला देखाला, ठीक है? तो अच्छा लगलक कि नहीं लगलक? हमके वीडियो अच्छा लगलक। और अच्छा लगलक। और इस चैनल कर माध्यम से मोर जितना भी दर्शक हैं, तराई दुआर में जितना भी वीडियो को देखे कोला हैं, चाहे जे भी जगह से वीडियो को देखे, ठीक है? और विशेषकर गांव कर उ मने जे मने शादी ब्याह करके दूसरे गांव में चल जे हैं, और उ मने जे मन दादा दीदी मने जे मन ये गांव से रोजगार के तलाश में बाहर चल जे हैं, ठीक है? तो उ मन ले कोनो संदेश देवे या कोनो मैसेज देवे ये वीडियो कर माध्यम से? हाँ, मैं देख चाहूँ तो संदेश कि ये वीडियो के देख के अच्छा लग लग हमें कि ये वीडियो के शेयर करवा, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करवा।
दोस्तों मेरे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये दो जो बहनें हैं इन लोग भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा हो, और प्लीज़ अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। और इनका भी हम लोग बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे कि काफ़ी समय तक हमें साथ दिए और सपोर्ट किए और गाँव को दिखाने के लिए हम लोग को साथ दिए। थैंक यू वेरी मच।